हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अभी 8:30 हुए हैं और सुबह 8:30 बजे हम जा रहे हैं आरफ के स्कूल। आज से आरफ का स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो बस मैंने भी शॉवर लेके और बेटे को भी शॉवर दिला के उसको रेडी करके मैं भी आ रही हूँ। और पूजा कर लिया मैंने और हस्बैंड मेरे साथ आरफ को छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसका स्कूल चेंज हो गया है। मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो शिफ्ट हो गया है स्कूल ना कहीं दूसरी साइड, दूसरी बिल्डिंग में। तो वो मुझे जगह मालूम नहीं है, तो हस्बैंड ने बोला कि चलो मैं मेरे साथ चलो, तो उसी वजह से मैं जा रही हूँ उनके साथ। और वो देखो आगे आगे जा रहे हैं। तो फाइनल मेरे हस्बैंड ना क्या के खड़े हो गए, देखो मैं पीछे पीछे हूँ काफ़ी। ये गार्ड होते हैं, ये ट्रैफिक पुलिस वाले, ये स्कूल के वो होते हैं गार्ड जो खड़े होते हैं। ये एंट्री गेट दूसरा है इनका। ये आरफ का नया स्कूल है, मतलब नया बिल्डिंग है। पापा छोड़ रहे हैं अंदर एंट्री। आरो को पहले चाहो तो करने दो। आरो आरो इधर दिखा, रुक जाओ। आरो तो देख, आरो देख इधर, आपका नया स्कूल है ये, ठीक है। आरो आपका नया स्कूल देख रहा है कि मेरी ये यहाँ तो नहीं आता, मैं नुआ वो स्कूल ये देख रहा है कि यहाँ पर तो नहीं आते थे मैं पहले। एक मिनट, फोटो अंदर जा सकते हैं। ये इसकी टीचर है। Ciao, buongiorno. Ciao, ma. Ciao. Accompagno Emma, arrivo Arab, Accompagno Emma alla ricorazione. Arab? ठीक है आरब, जब कम इतने क्या मी आरब बोल देना, ठीक है। ऑन दी शो दी वेल सीन एंड विंटेज किंग बोलो, बहन बोलो, गुड आरब बोलो, बहन है रोमांचो रिजो सेंप्रे चाओ सेंप्रे टुटो प्रेसिसो पर बेनिनो कमी से बेल अमोरे ci vediamo dopo allora alle 12 sì कितने बजे तक जाना? मेरा जॉब है। चाओ सलूता का, चाओ खमान वगैरह का, चाओ अरे चाओ कर la roba prendiamo lunedì o martedì, non ti preoccupare, buongiorno ciao तो छोटा सा बच्चा। तो फाइनल अब आरफ को अंदर छोड़ दिया है, वो खड़ा हुआ अभी भी। आरफ यही खड़ी है मम्मा, ठीक है। चाओ नया स्कूल है, उदास हो रहा है। चलो चलो। तो गाइस मैंने अपने बेटे को ना छोड़ आई, मतलब आरफ को स्कूल छोड़ के आई हूँ और आ गए हम। और अब मैं घर जाके ना काम वगैरह करूँगी, क्योंकि जल्दी से शॉवर वगैरह लेके हम निकल आए थे कि आरफ लेट ना हो जाए। और अब घर जाके बस अपना चेंज वगैरह करके अपने जोत पत्ती करूँगी, क्योंकि शॉवर लेके सीधा मैं आरफ के स्कूल छोड़ने चले गई थी। अब दीपक वगैरह जलाऊंगी, हस्बैंड को चाय वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि जल्दी छोड़ के हम 9 बजे तक आ गए हैं। हस्बैंड ये रहे, चाय पियेंगे फिर 9:30 तक ऑफिस जाएंगे अपना ना। तो गाइज मैं ना आरफ के स्कूल आ गई हूँ, मतलब मैं घर चले गई थी घर का, फिर सारा काम वगैरह सारा काम करके और लंच वगैरह बना के मैं बस अब 12 बज गए हैं। 12 बजे मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ, उसके स्कूल के बाहर खड़ी हूँ और उसका स्कूल हो रहा अभी, देखते हैं। बस आरफ के स्कूल पहुंच गई हूँ और जल्दी पहुंच गई हूँ, मतलब अभी 10 मिनट हैं उसकी छुट्टी होने में। और मैं बस पेड़ के नीचे छाँव में खड़ी हूँ, अभी फ़िलहाल धूप ही है, अभी दिन का टाइम है, धूप है, बस छुट्टी होने वाली है। और आरफ के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि उसको भूख लगती है, सुबह एक खाली दूध पी के आया था। छाँव में अच्छा लग रहा है।
मैडम मतलब इनको बाहर पार्क में झूला रही थी, तो अब इनको क्लास के अंदर लेके जा रही है क्योंकि टाइमिंग हो गया है ना स्कूल ऑफ का, तो आरब भी जा रहा है, वो आ गया, वो हाथ पकड़ कर इसने मैडम का क्लास में। सभी बच्चों को लेके अब सभी बच्चे अपनी क्लासेस में जा रहे हैं। Voluto biscotti con la frutta. Mi raccomando, il triangolo verde. Okay. Ciao, tutto bene? Mari, tutto a posto? 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 पापा तो ऑफिस गए हैं। आराम से पी, मम्मा पी, आराम से। इधर से आओ, इधर से आओ। वहाँ खेले थे? कहाँ वहाँ खेले थे? अच्छा लगा? मैं यहीं खड़ी थी बाहर। चलो। तो मैं अपने बेटे को ले आई हूँ और बस अब उसको घर लेके जाऊँगी और खाना वाना खिलाऊँगी। है ना आरा? बैठ जाओ। बैठ जाओ। गाइस खाना खा चुके हैं, डेढ़ भी नहीं बजे और मैं अपने बेटे को सुलाऊंगी। खाना खिला दिया है, सुबह का उठा हुआ है तो खाना खा के ना इसको सुलाऊंगी अपना, क्योंकि सुबह का उठा हुआ है, जल्दी सो जाएगा तो जल्दी उठ जाएगा, 4 बजे तक उठ जाएंगे, फिर शाम का जैसा भी रहेगा आपके साथ शेयर करूंगी। अभी फिलहाल इसको सुलाती हूँ ताकि ये रात को आराम से सही टाइम पे सो जाए और कल सैटरडे वैसे आराम से उठ जाएगा ना। चलो आ रहा हूँ, खाना वाना खा लिया, सो जाओ। तो गाइस मैं भी अपनी सोने की तैयारी करती हूँ, थकी हुई सुबह से नॉन स्टॉप, और मतलब 6 बजे की 6:30 बजे की जगी हुई हूँ। करते करते थोड़ा बहुत इसके पापा का लंच वगैरह बनाया था, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना, बेटे को दूध वगैरह, हस्बैंड के चाय वगैरह, फिर शॉवर लेके पूजा करना, वो चीज़ कर रही थी, उस वजह से ना थोड़ा सा लेट हो गया। और लेट क्या, अब बच्चे का स्कूल रहेगा तो यही रूटीन रहेगा। मैं जब भी आरफ का पिछले छुट्टी होने से पहले भी ना इसका यही रूटीन था, सुबह मतलब छोड़ने जाती थी भूखे प्यासे, और जब हस्बैंड छोड़ बोलते थे मैं छोड़ाऊंगा तो वो छोड़ाते थे, तो मैं इतना काम कर लेती थी, और समटाइम मैं छोड़ाती हूँ और आने के बाद फिर छोड़ने के आने के बाद फिर मैं अपने घर का फटाफट से काम वाम करती हूँ, फिर 12 बजे लेने भागती हूँ। तो उस चक्कर में मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह दूध वगैरह सब लेना भूल जाती हूँ, तो फिर बाद में ना जब बेटे को खाना खिलाती हूँ मुझे मतलब कंट्रोल नहीं होता सकता, जल्दी से खाना खाऊं, मतलब नॉन स्टॉप ने रुके हुए खाना खाऊं, मतलब इतनी तेज़ भूख लगती ना, बस पूछो मत। तो बस कढ़ी भी मेरी फेवरेट बनाई थी मैंने, कढ़ी पकौड़ा बनाई थी वो भी मैंने खा लिया है, मेरी फेवरेट कढ़ी पकौड़ा तो इतनी रही है ना, मैंने अभी जन्माष्टमी पे कढ़ी पकौड़ा बनाई थी वो भी इतनी टेस्टी बनी थी, तो अगले दिन ख़त्म हो गई थी तो ये भी मैंने कढ़ी पकौड़ा बनाया। और तो गाइस उठ गई थी, अब उठने के बाद में अब मैंने अपनी चाय वाय पी है शाम की, और नोना भी आ गई है तो वो भी बैठी हुई है और आप खेल रहे हैं। चाय मैंने अपनी ख़त्म करी है और इतना मतलब थकान हो गई थी ना तो मैं सो के उठी, इतना अच्छा लग रहा चाय पी के, इतना मन कर रहा था चाय पीने का। बस अब मैं शाम का खाना बना देखूंगी हस्बैंड के लिए क्या बनाना, क्योंकि सुबह तो मैंने कढ़ी बनाई थी, कढ़ी मेरे हस्बैंड एक टाइम खाते हैं, तो मैंने सोचा चलो हस्बैंड को इतना, अब कढ़ी मैं बनाई भी थोड़ी थी, पकोड़े वाली कढ़ी थोड़ी सी बनाई है, तो मैं उनके लिए सोच रही हूँ कि मटर पनीर सब्जी बना देती हूँ, तो मैं मटर की पनीर सब्जी बना देती हूँ। बस अब मैंने पूजा भी कर ली शाम की, अभी तो फिलहाल 6:15 हो रहे हैं, लेकिन मैंने जल्दी पूजा कर ली क्योंकि अंधेरा हो रहा है ना, बारिश की वजह से अंधेरा हो रहा था, मैं मंदिर के अंदर अंधेरा था, मैंने चलो जोत जला देती हूँ। मैंने चाय वाय पी के हाथ मुँह धो के और जोत बत्ती कर ली थी, और देखो आरा भी बैठा है, इसको भी अच्छा लग रहा है ना आरा। मामू लग गई।
तो गाइस शाम रात हो गई है, 8:30 हो गए, हस्बैंड भी आ गए, बस अब मैं उनको खाना दे दिए, मैंने 9:30 हो रहे तो मैंने खाना दे दिया और आरफ को भी पास्ता दे दिए और इसकी फेवरेट पोमोदोरी टिक्की। और ये देखो क्या क्राफ्ट कर रहा है, ये ना कैंची से कट कर रहा था, ये कि मैं कान्हा जी की ड्रेस बना रही थी तो थोड़े से पीसेस थे ना तो उसको कट 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 कर करके देखो क्या कर दिया। अरे चलो खाओ, और आपकी फेवरेट है, खाएगा ना सैलेड, है सैलेड खाएगा ना, खीरा काटा दिन में। सो गाइस हम जा रहे हैं लूना पार्क और झूले घूमने के लिए, रात के टाइम पे खाना वाना खा लिया, सारा काम कर लिया है और बस हम लूना, मैं रेडी हो गई हूँ और आज तो बाहर ठंड है तो इस वजह से ना पूरा कवर पहना है ना, हस्बैंड ने भी बोला कि बाहर ठंड है आराम से पूरा फुल पहनना, बीमार मारना हो जाओ, तो बस मैं रेडी हो गई हूँ। कान्हा जी को बोलते कान्हा, वो कानू मैं बाहर घूमी घूमी करने चल रही हूँ, ठीक है आप भी ख्याल रखिएगा। नंदी जी मैं आ रहा हूँ यहाँ कर, तो गाइस हमारे हमारे घर के आगे लूना पार्क लगता है जस्ट हमारे घर के, और ये हमारी गली है और ये हमारे घर के आगे से स्टार्टिंग है, तो अभी क्राउड है, बारिश भी हुई है और हवा भी चल रही, ठंड है और gira il volante, giralo. बिल्कुल जी
io. Quello, accia? Vengo io, guarda. Ye, ye, wow. Allora, le prossime, avanti. Vanno a peso. Ah, peso, peso, vedi come va. Ma tutti pieno? Ah, vedi. Vedi. Stiamo qua. Sop Carraro. Dico, sop, dico. Ui, sop Carraro, sop. Sop. Sale subito. A bordo si gioca ancora. Vuoi fare la toy di picchi vada? Belt, accia, ok. C'è la belt di vada. Are io la toy? तो फाइनल हम घर पे आ गए हैं और 11 बज गए हैं, 11:15 हो रहे हैं और बस आरव के भी कपड़े वगैरह ड्रेस वगैरह चेंज करने हैं, मुझे भी चेंज करना है। आप सोएंगे, कल की तैयारी करेंगे, मतलब कल सैटरडे आराम से उठेंगे, आरव का छुट्टी है और मैं भी आराम से उठूंगी और बस इसलिए हम थोड़ा सा लेट घूम लिया। अभी थोड़ी देर ये रेस्ट करेगा, दिन में तो सो गया था तो अभी तो सोएगा नहीं, आराम से खेलेगा कूदेगा। आरव आपको कैसा लगा, अच्छा लगा? अच्छा लगा। चलो ठीक है, चलो सबको बोल दो अब। तो इसी के साथ ये व्लॉग ही एंड करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय। अरे बाय कर दो, चाओ।